नमस्कार, आप देख रहे हैं सी संस्कार न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ विवेक त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की 30 खबरों पर। बच्चों में कोरोना का टीका लगाने का उत्साह दिखाई दिया। पहले दिन जबलपुर में 14,000 से ज्यादा बच्चों ने लगवाई वैक्सीन। जबलपुर में 5 जनवरी को कोरोना वायरस के 70 नए मामले सामने आए, पिछले दिनों से काफी उछाल। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 33% बढ़ी। बुधवार को राज्य में कुल 3553 कोरोना के संक्रमित सामने आए। लाल किले के सामने मार्केट में लगी भीषण आग, 13 दमकल गाड़ियां मौके पर, कोई हताहत नहीं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़े, 9 सरकारी अस्पतालों में बढ़ाए गए 1,000 से अधिक बेड्स। मौसम विभाग ने जारी की रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 9 जनवरी तक रहेगा मौसम खराब। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 90,000 से अधिक मामले, 24 घंटे में कुल 325 मौतें दर्ज। जैविक खेती के जरिए लोगों के स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने की कोशिश में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार। बिहार में अधिकांश कोविड मरीज होम आइसोलेशन में, घर तक दवा पहुंचाएगी सरकार। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी अनुष्का शर्मा की फिल्म चक द एक्सप्रेस। अफगानिस्तान में भारी हिमपात, बारिश को लेकर तालिबान ने की आपातकाल की घोषणा। बीसीसीआई ने आईसीसी विश्व कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। बिहार में बाजार समिति में लगी भीषण आग, 25 दुकानें जलकर खाक। दिल्ली में कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली का चिड़ियाघर एक बार फिर से पर्यटकों के लिए बंद। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेन, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, फिर से लॉकडाउन लगने की आशंका। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,90,000 से अधिक मामले सामने आए। रेलटेल लगभग 200 रेलवे स्टेशनों पर कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क का संचालन करेगा। एचडी देवगौड़ा का बयान, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण, हमें अतीत से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेन, पंजाब भाजपा ने राज्य के गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में घर में हुआ धमाका, बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से जख्मी। भारत में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 495 नए मामले सामने आए, कुल संख्या बढ़कर 2630 तक पहुंची। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट, खराब मौसम के कारण चौथे दिन के खेल में देरी। फ्रांस ने गूगल फेसबुक पर कुकी ट्रैकिंग को लेकर $235 मिलियन का जुर्माना लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार कोरोना पॉजिटिव पाई गई। केदारनाथ और तुंगनाथ में जमकर बर्फबारी, केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य ठप। दिल्ली में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, एक बार फिर स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमण के शिकार। राष्ट्रपति कोविंद ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर लगा रही आरोप। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 90,928 मामले सामने आए, जो बीते दिन के 58,097 मामलों की तुलना में काफी अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस की वजह से कुल 325 मौतें दर्ज की गईं। देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,876 हो गई है। इसी बीच सक्रिय मामलों की संख्या 2,85,401 हो गई है, जो देश की कुल संक्रमित मामलों की 0.81% है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या बढ़कर 2630 हो गई है। हालांकि 995 ओमिक्रॉन के संक्रमित लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, वे अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अब तक 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। बीते 24 घंटे में 19,206 संक्रमितों के ठीक होने से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 3,43,41,009 हो गई है। वहीं देश में मरीजों की कुल ठीक होने की दर
97.81% है। बीते 24 घंटे में देश भर में कुल 14,13,030 कोविड टेस्ट किए गए। भारत में अब तक कुल 68,53,00,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटे में 91,00,000 से अधिक वैक्सीन के साथ कोविड टीकाकरण अभियान गुरुवार सुबह तक 148.76 करोड़ तक पहुंच गया है।